मध्य प्रदेश में दमोह जिले में कटनी बिना रेलखंड के सलैया स्टेशन में करीब 2 किलोमीटर दूर गुरुवार सुबह रेलवे लाइन की मिट्टी धस गई। इससे रूट पर आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि रेल कर्मियों द्वारा सुधार कार्य करने के बाद सुरक्षा को देखते हुए धीमी गति से ट्रेनों को निकाला जा रहा है। वहीं संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण सलैया रेलवे स्टेशन के पास तीसरी लाइन पर डाली गई मिट्टी का कटाव हो गया और उसके चलते डाउन ट्रैक की मिट्टी भी कटकर बह गई। आज सुबह रेलवे के कर्मचारियों ने पटरियों के पास मिट्टी धसी देखी तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों को छोटे स्टेशनों में ही रोक दिया और दमोह और कटनी से पहुंची टीमों ने सुधार कार्य शुरू किया। इस मामले में क्षेत्रीय रेल प्रबंधक आशीष रावलानी का कहना है कि प्रारंभिक सुधार कर ट्रेनों को निकालने का काम शुरू हो गया है, बाकी कार्य भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कटनी रेलवे सेक्शन का क्षेत्र नहीं है, लेकिन जिले से भी टीम मौके पर भेजी जा रही है। बता दें कि हाल में इस रूट पर तीसरी लाइन का काम हुआ था। इस दौरान मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मलबा डालकर उसमें बोरिया रखी गई थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण मिट्टी कटकर बह गई। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों के साथ आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया और ट्रेनों को रोक रोक कर सुधार कार्य कराया गया। इससे इस रूट की कई ट्रेन प्रभावित हो गई है। सिंगरौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, रेवांचल एक्सप्रेस, दयोदल एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस देरी से चल रही है। वहीं कटनी बिना मेमू को जरुआ खेड़ा स्टेशन से पहले समाप्त कर दिया गया तो कामयानी एक्सप्रेस को बिना से सीधे नैनी स्टेशन चलाया गया।